हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय जर्नी रमैस क्लासेस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज सेकंड ऑफ चैप्टर फर्स्ट मैट्राइसिस। बहुत बच्चों की प्रॉब्लम्स आ रही हैं सेकंड एक्सरसाइज में, तो आज मैं इसको कम्प्लीट ही करवा देती हूँ ताकि जो बीच बीच में प्रॉब्लम्स हैं सारी क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। शो दैट मैट्रिक्स सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन होगी और उसको आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है। ठीक है, मैट्रिक्स सिमेट्रिक कब होती है? इफ़ ए डैश इक्वल टू ए, अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल आ जाता है देन ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ट्रांसपोज सबको पता होगा, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। एंड इफ ए डैश इक्वल टू माइनस ए देन मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दे रखा है, ए मैट्रिक्स दे रखी है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल होता है वो जीरो जीरो, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो होते हैं। ठीक है, किसमें? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में। सेकंड आपके पास गिवन है 6, 8, -5। अब हमें ये मैट्रिक्स 6 है तो यहाँ पे -6 मिलेगा, यहाँ पे 8 है तो -8, यहाँ पे -5 है तो यहाँ पे 5। ओके, ए इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आपको गिवन है एंड प्रूव करना है, प्रूव करो कि ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, आप ए डैश निकालिए, यहाँ से ए का ट्रांसपोज कीजिए। फर्स्ट रो इज अ फर्स्ट कॉलम में चेंज हो जाएगी, सेकंड रो सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी एंड थर्ड रो इज अ थर्ड कॉलम। ओके, माइनस कॉमन ले लेती हूँ मैं। मैट्रिक्स में जैसे आप कोई कांस्टेंट माइनस जो भी कॉमन लेंगे वो हर एक एलिमेंट से कॉमन आता है। अब अगर मैं यहाँ पे माइनस कॉमन लेती हूँ देन माइनस जीरो जीरो ही रहेगा, हमने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया है एंड इस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अगर ये प्लस है देन ये माइनस, जीरो माइनस एंड माइनस, ये प्लस का 5 एंड दिस नंबर इज ज़ीरो। क्या ये मैट्रिक्स इक्वल टू ए आई है? यहाँ पे चेक करते हैं, दिस इज माइनस हमने बाहर कॉमन लिया है एंड दिस मैट्रिक्स इज ए। तो हमने प्रूव किया है कि ए डैश इक्वल टू माइनस है, देयरफॉर ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इस तरह से प्रूव करना है। फर्स्ट पार्ट में जो आपके पास ए मैट्रिक्स दे रखी है उसको आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो आप ए डैश कीजिए, वो मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा, देन मैट्रिक्स सिमेट्रिक हो जाती है। क्वेश्चन सेकंड का फर्स्ट पार्ट आपको करना है, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी है देन आपको प्रूव करना है कि के इंटू ए इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ओके, सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन ए डैश इक्वल टू ए, और आपको प्रूव करना है के इंटू ए को सिमेट्रिक, देन हम क्या प्रूव करेंगे? हम प्रूव करेंगे के इंटू ए कंप्लीट ट्रांसपोज इट्स आपके इक्वल आ जाए, के इंटू ए ही आ जाए। ठीक है, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए, मीन्स के इंटू ए डैश। अब ट्रांसपोज के अगर प्रॉपर्टीज आपने फर्स्ट चैप्टर की अगर वीडियोस देखी है तो वहाँ पे मैंने प्रॉपर्टीज करवा रखी है, के कांस्टेंट एज इट इज रहता है ऐसे कैसा रहेगा एंड ए डैश हो जाए। एंड क्योंकि हमें ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स दे रखी थी, ये इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, देन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे ए डैश की वैल्यू आप पुट कर सकते हैं ए। ठीक है, देन हमने लिया था के इंटू ए डैश इज इक्वल टू आ गया के इंटू ए, दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देयरफॉर इसकी इसी का ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ जाता है, देयरफॉर के इंटू ए इज सिमेट्रिक। ओके, एंड सेकंड आपके पास गिवन है कि अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, सेकंड पार्ट, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन प्रूव कीजिए कि के इंटू ए इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, अब यहाँ से जो गिवन है आप कंडीशन लगा दीजिए,
अगर ए आपके पास क्यू सिमेट्रिक है, देयर फोर ए डैश इक्वल टू माइनस ए होगा, इक्वेशन फर्स्ट। के इंटू ए को आपको क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हम इसका ट्रांसपोज लेके चलते हैं, के इंटू ए डैश, के कॉन्स्टेंट एज इट इज आ जाएगा, इंटू ए डैश, प्रॉपर्टी लगाएंगे हम ट्रांसपोज की, एंड फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन के इंटू माइनस ए, ए डैश की वैल्यू माइनस ए, यहाँ पे लिखोगे आप फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज माइनस के इंटू ए, के इंटू ए का हमने ट्रांसपोज लिया एंड माइनस के इंटू ए आ गया, इम्प्लाइज दैट के इंटू ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, थर्ड जो पार्ट है वहाँ पे दे रखा है कि अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है थर्ड पार्ट में, तो आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी इज ऑल्सो सिमेट्रिक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें गिवन है कि ए हमारे पास अच्छा यहाँ पे जो है ए और बी दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिलेंगी थर्ड पार्ट में, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, तो हमें ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करना है। इफ़ ए एंड बी इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देन ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी, इक्वेशन फर्स्ट। ए प्लस बी को सिमेट्रिक प्रूव करेंगे, ट्रांसपोज लेके चलते हैं, प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसको आप सेपरेट कर सकते हो, ए डैश की वैल्यू ए एंड बी डैश की वैल्यू बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देन ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, ए प्लस बी आ गया, दैट मीन्स ए प्लस बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, नेक्स्ट पार्ट में गिवन आपको अगर ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक है, फोर्थ पार्ट, इफ ए एंड बी आर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। ठीक है, देन आपको प्रूव करना है कि ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ए प्लस बी भी स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ठीक है, देखिए यहाँ से ए और बी स्क्यू सिमेट्रिक दे रखा है, देयरफॉर ए डैश इक्वल टू माइनस ए एंड बी डैश इक्वल टू माइनस बी, इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फोर्थ पार्ट हम कर रहे हैं यहाँ पे, ए प्लस बी को आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो हम ट्रांसपोज लेके चलेंगे, सेपरेट करेंगे, ए डैश प्लस बी डैश, एंड ए डैश की वैल्यू माइनस ए एंड बी डैश की वैल्यू माइनस बी, माइनस कॉमन निकाल लीजिए, ए प्लस बी, ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया हमने, इसके नेगेटिव के इक्वल आ जाता है। ठीक है, देखो ए प्लस बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका, का फिफ्थ पार्ट है, इफ ए इज एन स्क्वायर मैट्रिक्स, प्रूव दैट ए इंटू ए डैश एंड ए डैश इंटू ए आर बोथ सिमेट्रिक। यहाँ पे ए कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है आपके पास, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपको प्रूव करना है ए इंटू ए डैश इज सिमेट्रिक होगा। सिमेट्रिक के लिए हम क्या प्रूव करेंगे, दैट इज ए इंटू ए डैश कंप्लीट का ट्रांसपोज ले और ये इसी के इक्वल आ जाए, ए इंटू ए डैश के ही इक्वल आ जाए, देन ए इंटू ए डैश हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन जाएगी। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलिए इसकी, यानी कि हम लेके चलेंगे ए इंटू ए डैश का ट्रांसपोज। ओपन करो, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी क्या थी हमारे पास प्रोडक्ट में, कि जो ए इंटू बी डैश होता है, ए इंटू बी डैश इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, लास्ट वाला नंबर पहले आता है, देन ए डैश डैश इंटू ए डैश, ए डैश का डैश हो जाएगा एंड ए डैश आ जाएगा, एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी थी ए डैश डैश इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर डबल डबल डैश हो जाता है तो वापस मैट्रिक्स ए आ जाती है, देन दिस मैट्रिक्स ए इंटू ए ट्रांसपोज, मीन्स हमने ए इंटू ए डैश का ट्रांसपोज लिया, इसी के इक्वल आ गया। ओके, देयरफॉर ए इंटू ए डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स एज इट इज़, आपको इसको प्रूव करना है, ए डैश इंटू ए डैश लेके चलेंगे, पहले ए का ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए डैश इंटू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए ही होता है, देन ए डैश इंटू ए इज सिमेट्रिक। क्वेश्चन थर्ड देखिए, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस,
शो करना है ए बी प्लस बी एस मेट्रिक होगी एंड ए बी माइनस बी एस क्यू सिमेट्रिक। जो गिवन है पहले वो लिख लीजिए, ए और बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दैट मीन्स ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी। इक्वेशन फर्स्ट आपको प्रूव करना है कि ए बी प्लस बी ए दिस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए हम इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे। ओपन कीजिए, प्लस की प्रॉपर्टी होती है कि हम दोनों टर्म्स पे सेपरेटली ट्रांसपोज अप्लाई कर सकते हैं एंड प्रोडक्ट इज अ बी डैश इंटू ए डैश प्लस यहाँ से ए डैश इंटू बी डैश। नाउ यूजिंग फ्रॉम यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बी डैश इज अ बी एंड ए डैश इज ए प्लस ए डैश ए होता है, बी डैश यहाँ पे बी क्योंकि ये हमें गिवन है। ओके एंड मल्टीप्लाई में जो है वो मैट्रिक्स कम्यूट नहीं करती, ये चीज़ ध्यान रखना है। यानी बी को आप ए भी नहीं लिख सकते, यहाँ पे आप लिखोगे हमने इसका यूज़ किया है इक्वेशन फर्स्ट का। ओके अब यहाँ पे जो एडिशन है, अब बी ए प्लस ए बी इसको आप इधर लिख सकते हो ए बी प्लस बी ए बिकॉज ये दो टर्म्स एडिशन में है। अब यहाँ पे देखिए इसका हमने ट्रांसपोज लिया एंड इसी के इक्वल हमारा आंसर आ जाता है। देयरफॉर ए बी प्लस बी ए इज अ कंप्लीट टर्म इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके नेक्स्ट आपको प्रूव करना है ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है तो हम इसका ट्रांसपोज लेके चलेंगे एंड सेपरेटली इसको अलग अलग करते हैं, माइनस बी ए डैश हो जाता है। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी अप्लाई कीजिए, बी डैश ए डैश माइनस ए डैश बी डैश, दिस इज बी ए माइनस ए इंटू बी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंड यहाँ से क्योंकि ये तो एडिशन में थी इसलिए हमने इनको आगे पीछे लिख सकते हैं, बट यहाँ पे माइनस है तो इसलिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा ए बी माइनस बी ए। जब माइनस कॉमन लेंगे तभी ये जो है इसी के इक्वल आएगा। देखिए ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए यानी इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया हमने एंड इट सेल्फ मैट्रिक्स आ जाती है। देयरफॉर ए बी माइनस बी ए इज नेगेटिव साइन आ गया, देन स्क्यू सिमेट्रिक। ओके फोर्थ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन फोर दे रखा है, प्रूव दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। मीन्स अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन बी डैश ए बी सिमेट्रिक प्रूव करना है, और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो बी डैश ए बी को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। फर्स्ट हम लेके चलते हैं ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक है इम्प्लाइज दैट ए डैश इक्वल टू ए के इक्वल होगा, देन बी डैश ए बी इसका ट्रांसपोज लीजिए एंड ओपन करते हैं। सबसे पहले बी डैश फिर ए डैश इंटू फिर फर्स्ट जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज, बी डैश ए डैश यहाँ पे डैश का डैश वही मैट्रिक्स आ जाती है। ओके अब यहाँ पे देखते हैं ए डैश की वैल्यू कितनी है, ए बी डैश ए डैश को मैंने लिखा ए इंटू बी एज इट इज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। ओके अब यहाँ पर देखो बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लिया और इसी के इक्वल आ गया, देयरफॉर बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके इसी तरह से आपको स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर ए अब की बार हम ले लेते हैं, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक दैट मीन्स ए डैश इक्वल टू माइनस ए सेकेंड इक्वेशन, देन बी डैश ए बी डैश ट्रांसपोज लेते हैं, इसको हमें अब स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है। अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है देन बी डैश ए बी हमारा स्क्यू सिमेट्रिक आना चाहिए। ओपन करते हैं बी डैश ए डैश बी डैश का डैश, दिस इज बी डैश ए डैश बी मैट्रिक्स एंड ए डैश की वैल्यू रख दीजिए, बी डैश इंटू ए सॉरी माइनस ए फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, बी डैश माइनस ए इंटू बी माइनस बी डैश ए बी यहाँ पे आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। ओके अब देखिए यहाँ से बी डैश ए बी का ट्रांसपोज लिया, नेगेटिव ऑफ बी डैश ए बी आ रहा है इन माइनस अप्लाई हो गया, दैट मीन्स बी डैश ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके क्वेश्चन नंबर फिफ्थ इज ए बी एंड रॉड स्क्वायर सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दोनों आपके पास
सिमेट्रिक मैट्रिसेस गिवन है, दैट मीन्स ए डैश इक्वल टू ए एंड बी डैश इक्वल टू बी। प्रूव करना है कि ए बी सिमेट्रिक होगा, यानी प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी कम्यूट। कम्यूट का मीन्स आपको प्रूव करना है कि ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड ओनली इफ ए बी कम्यूट, दैट मीन्स ए बी इक्वल टू बी ए। ठीक है, सबसे पहले हम लेके चलते हैं कि ए बी आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, दोनों सिमेट्रिक सॉरी ए इंटू बी सिमेट्रिक, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स सिमेट्रिक दे रखा है और आपको प्रूव करना है कि वो कम्यूट करेंगे, यानी ए बी इक्वल टू बी आपको लेके आना। तो फर्स्ट लेट ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि अलग अलग नहीं, ए इंटू बी इज अ कंप्लीट सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, देयरफॉर ए बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इंटू बी। देन ओपन करते हैं, बी डैश इंटू ए डैश इक्वल टू ए बी इम्प्लाइज दैट बी डैश की वैल्यू, यहाँ से ये हमें गिवन है कि दोनों मैट्रिसेस सिमेट्रिक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, बी डैश बी के इक्वल एंड ए डैश ए के इक्वल इक्वल टू ए बी, यानी बी ए इक्वल टू ए बी आ रहा है, इम्प्लाइज दैट ए एंड बी कम्यूट, आपस में कम्यूट कर रहे हैं। देन कन्वर्स पार्ट, कन्वर्सली अब हमें गिवन होगा कि ए एंड बी कम्यूट्स, दैट इज ए बी इक्वल टू बी ए, ये आपको गिवन है और आपको प्रूव करना है कि ए बी हमारा सिमेट्रिक होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ ए बी। हम प्रूव करेंगे यहाँ से ए बी इज सिमेट्रिक, मीन्स सिमेट्रिक के लिए क्या प्रूव करेंगे, ए इंटू बी डैश ए इंटू बी ही आना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, ए इंटू बी डैश ए डैश दिस इज इक्वल टू फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन बी डैश बी के इक्वल ए डैश ए के इक्वल, वैल्यूज पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। एंड अभी हमने कहा कि ये हमें गिवन है, बी ए किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल, इसकी वैल्यू हम ए बी रख सकते हैं। देन ए बी का ट्रांसपोज लिया, ए बी के इक्वल आ गया, इम्प्लाइज दैट ए इंटू बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन सेवन्थ, सिक्स क्वेश्चन मैं आपको जो प्रॉब्लम्स करवाई थी फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज की उस लेक्चर में, यानी उस वीडियो में मैं करवा चुके हूँ। सेवन्थ क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स दे रखी है, इसको एक्सप्रेस करना है सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब हमें ये पता होना चाहिए कि ए मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हम कैसे करते हैं, ये भी आर्टिकल में डिटेल से करवा चुके हैं आपको, जब आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे और लास्ट लेक्चर्स देखेंगे चैप्टर फर्स्ट के। ठीक है, देखिए ए मैट्रिक्स दे रखा है आपको, टू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं, वन बाय टू एज इट इज, टू ए को हम लिखते हैं ए प्लस ए। ओके, वन बाय टू ए प्लस ए में हमने ए डैश सब्ट्रैक्ट कर दिया और ए डैश ऐड कर लिया। ओके, दिस इज वन बाय टू, ए प्लस ए डैश को आप इकट्ठा ले लीजिए एंड ए माइनस ए डैश को एक साथ ले लेते हैं। ओके, वन बाय टू ए प्लस ए डैश प्लस वन बाय टू ए माइनस ए डैश, दिस मैट्रिक्स, ये जो मैट्रिक्स बनेगी आपके पास ये बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको पता होना चाहिए तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे कि यहाँ पे सिमेट्रिक कब बनेगी, ए प्लस ए डैश। ये जो मैं आर्टिकल में या फिर जो इसके एग्जाम्पल करवाए थे सेकंड एक्सरसाइज के, वहाँ पे मैं करवा चुकी हूँ बहुत डिटेल से। एंड यहाँ पे अब आपको इसको एक्सप्रेस करना है, देन हमें वैल्यू चाहिएगी ए डैश। ए डैश मीन्स हम इसका ट्रांसपोज करते हैं, रो को कॉलम एंटर चेंज कर दीजिए, 1 3 5, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम एंटर चेंज कर लेते हैं। ओके, इसके बाद हमें चाहिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए ए प्लस ए डैश, हम निकालते हैं यहाँ से ए प्लस ए डैश, डायरेक्ट निकाल रही हूँ मैं, ए मैट्रिक्स ये है, ए डैश ये है, ऐड कर दीजिए, फर्स्ट
फर्स्ट नंबर, यानी कि 1 + 1 इज अ 2, 3 - 6 - 3, 5 - 4 - 1, -6 - 3 इज -3, 8 and 8 16, एंड 6 और 3 9, -4 + 5 - 1, 6 3 इज अ 9 एंड 5 5 इज अ 10. क्या ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स है? कैसे पता चलता है? देखिए, जो प्रिंसिपल डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल कौन सा होता है? जो हमारा मेन डायगोनल होता है, जो फर्स्ट नंबर से शुरू होता है, ये होता है प्रिंसिपल डायगोनल. ओके, यहाँ पे जो नंबर होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स में, वही नंबर यहाँ पे होता है. मीन्स इसका प्लेस क्या है? ए फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, एंड दिस इसका प्लेस ए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम. तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में ए आई जे इक्वल टू ए जे आई होता है. अंडरस्टैंड? जैसे हम बोलते हैं ना कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए. ओके, ये हम रो और कॉलम से शो करते हैं. आई रिप्रेजेंट करता है रो को, जे रिप्रेजेंट करता है कॉलम को. तो कॉलम जब हम रो और कॉलम इंटरचेंज करते हैं, तभी तो ए जे आई इक्वल टू ए जे आई भी ना. ठीक है, आई जे इक्वल टू ए जे आई आ जाएगा. तो यहाँ से देखिए आप, ए 1 2 इक्वल टू ए 2 1 हो गया इंटरचेंज, और दोनों इक्वल आने चाहिए, -3 - 3, एंड यहाँ पे 1 and 1, यानी कि ए दिस प्लेस इज अ 1 3 एंड दिस प्लेस इज अ 3 1, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम. दिस प्लेस ए सेकेंड रो थर्ड कॉलम ए 2 3, एंड दिस इज ए 3 2, दोनों इक्वल हैं. अगर ये नंबर आपके इक्वल आते हैं, दिस दिस 1 and 1 9 and 9, तो समझो कि आपकी कैलकुलेशन सही है, यानी कि a+a' आपका राइट निकला है. ठीक है, अच्छा जी, ये तो बात होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की. अब आपको क्या करना है, इसके लिए आपको 2 से भी डिवाइड करना पड़ेगा. अभी हमें चाहिए 1/2 a+a'. करिए, यहाँ पे 2 से डिवाइड करते हैं, क्या मैट्रिक्स आएगी? 2 से यहाँ से डिवाइड होगा 1 - 3/2, 1/2, देन यहाँ से -3/2, दिस इज 16/2 इज 8, यहाँ पे आ जाएगा 9/2, 1/2, 9/2 एंड 5. ऑलराइट, इसमें जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल के नंबर कुछ भी हो सकते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स में. आई बात स्क्यू सिमेट्रिक की, जब हम स्क्यू सिमेट्रिक में देखते हैं तो ऑल प्रिंसिपल नंबर्स ऑफ ऑल प्रिंसिपल डायगोनल आर 0, यानी कि ये जो नंबर मिलेंगे आपको सारे 0 मिलेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में. अभी निकाल के देख लेते हैं, अभी पता चल जाएगा. अभी आपको करना है कि a - a' करिए, यहाँ से a में से a' माइनस कर दीजिए, 1 - 1 इज 0. अब किसको कर रहे हो माइनस, ये भी ध्यान रखना है. a में से हम ये माइनस कर रहे हैं तो 3 - -6 प्लस हो जाएगा 9, 5 - -4 इज 9, समझ गए? एंड -6 - 3 -9, 8 - 8 इज 0, एंड 3 - 6 इज 3 - 6 - 3, -4 - 5 इज -1, सॉरी -9, -4 - 5 -9, एंड 6 - 3 इज 3, ये हमारा 3 आ रहा है, ठीक आ रहा है. एंड लास्ट नंबर 5 - 5 इज 0. अब चेक करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है. सारे के सारे जो प्रिंसिपल एलिमेंट है, प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, यहाँ पे चेक कीजिए, तीनों के तीनों 0 है. ओके, एक तो ये साइन होता है. सेकेंड इज, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, स्क्यू सिमेट्रिक सॉरी, ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई के इक्वल होता है. प्लेस चेक कीजिए, दिस प्लेस इज ए 1 2 एंड दिस प्लेस इज ए 2. मैग्नीट्यूड सेम मिलेगा बट ऑपोजिट साइन. ओके, -a 2 1 के इक्वल 9 and 9. ओके, यहाँ पे प्लेस चेक करते हैं, दिस इज ए 1 3 3 1, दिस नंबर ए 3 1 के इक्वल आना चाहिए. ये नंबर आ गया आपके पास ए 2 3, ये आना चाहिए -a 3 2, यही आ रहा है,
इससे अपोजिट साइन का है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है, तो ये स्क्यूसमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। ठीक है, अब हमें चाहिए 1/2, 1/2 ए माइनस ए डैश, हमें इसको 1/2 से डिवाइड करना है, देन 0, 9/2, 9/2 माइनस 9/2, 0 माइनस 3/2, 0, 3/2, माइनस 9/2, दिस नंबर एंड 0, ये मैट्रिक्स आ जाती है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ए को हमने चेंज कर दिया एडिशन ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक में। लिखोगे कैसे, लास्ट में जो आप आंसर लिखोगे ये लिखोगे आप ए इक्वल टू ए मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक, आंसर आया ये मैट्रिक्स लिख दीजिए यहाँ पे, 1 माइनस 3/2 1/2 माइनस 3/2 8 9/2 हाफ एंड 5 प्लस इसकी वैल्यू 1/2 हाफ ए माइनस ए डैश दिस मैट्रिक्स प्लस ऑफ 0 9/2 माइनस 3/2 दिस नंबर इज माइनस 9/2 दिस नंबर इज प्लस, क्योंकि ये माइनस कहते हैं प्लस का आएगा, ओके एंड यहाँ पे भी माइनस का आएगा, इनके साइन अपोजिट होने चाहिए स्क्यू सिमेट्रिक में एंड ये 0। ठीक है, अब इसको आपको ऐड नहीं करना, आपको एज इट इज छोड़ देना है कि ए को हमने लिख दिया सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक दोनों मैट्रिक्स के सम में। अब यहाँ पे किस कितने भी ऑर्डर के मैट्रिक्स आ जाए, जैसे आपके पास यहाँ पे दे रखा है 3x3, नेक्स्ट क्वेश्चन में है 4x4, करना ऐसे ही है, ऐसे ए को आपको लिखना है हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश, एज इट इज प्रोसीजर से आपको निकालना है, ऑर्डर चाहे कितना भी मिल जाए आपको। क्वेश्चन 8 देखिए, शो दैट द एलिमेंट्स ऑन द मेन डायगोनल ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर ऑल 0, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, यहाँ पे आपको प्रूव करना है। ठीक है, देन हम ए ले लेते हैं, ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए आई जे इक्वल टू माइनस ए जे आई हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाहे आप कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ले लीजिए, 2x2, 3x3, जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स लेना चाहो, a11, a12, a21, a22, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप a11 एंड a1, दीज आर द डायगनल एलिमेंट्स, क्योंकि प्रिंसिपल डायगनल के एलिमेंट है, एंड नॉन डायगनल एलिमेंट जो है यहाँ पे 1i रिप्रेजेंट करता है रो को, j रिप्रेजेंट करता है कॉलम को, देन a12 इक्वल होना चाहिए माइनस ऑफ a21 के, समझ गए। तो अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो देन यहाँ पे क्या होना चाहिए, a12 इक्वल टू माइनस टू a21 एंड a11 इक्वल टू a22 इक्वल टू 0, हमें ये चीज़ शो करनी है कि इसके डायगनल एलिमेंट 0 होने चाहिए, अंडरस्टैंड। अब हमें ये गिवन है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी देन ये कंडीशन होल्ड करेगा, एंड यहाँ पे जो अगर हम देखें डायगनल नंबर में, डायगनल नंबर देखिए यहाँ पे a11 मीन्स a11 और a22 डायगनल एलिमेंट में i इक्वल टू j हो जाता है, अंडरस्टैंड। जैसे कि नॉन डायगनल में a12 है, i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 2, बट जो एलिमेंट है डायगनल, इसका डायगनल का जो एलिमेंट होगा वहाँ पे i इक्वल टू j हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अगर आपके पास a मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है देन i j इक्वल टू माइनस ए जे आई होना चाहिए फॉर डायगनल एलिमेंट में क्या आ जाता है, i इक्वल टू j हो जाता है, देयर फॉर यहाँ पर रख दीजिए i इक्वल टू j, ए आई आई इक्वल टू माइनस ए आई आई, इसको आप लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, इक्वल टू 0, 2AII इक्वल टू 0 एंड फॉर ऑल आई लिखेंगे यहाँ पे, यानी कितने भी ऑर्डर की 2x2 आई की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अगर यहाँ पे ए मैट्रिक्स आप लेते हो, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन लेते हो, ऑफ ऑर्डर एन, देन यहाँ पे आ जाएगा फॉर ऑल आई इक्वल टू 1,
3 अप टू सो ऑन n, देन ए आई आई इक्वल टू 0। अब फॉर ऑल आई हमने बताया यहाँ पे, अब आई की वैल्यू रखते जाइए, 1 रखोगे ए 1 1, 2 रखोगे ए 2 2, ए 1 1, ए 2 2, ए 3 3, अप टू सो ऑन ए एन एन, सबकी वैल्यू क्या आ रही है 0। दैट मीन्स ऑल डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, शो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर सिमेट्रिक। मीन्स आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देन इसकी पॉजिटिव इंटीग्रल पावर, पॉजिटिव इंटीग्रल मतलब एग्जांपल के तौर पे मैं लेती हूँ ए रेज टू पावर 10, इसको भी आपको सिमेट्रिक प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लेके चलेंगे, तो मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे ए रेज टू पावर 10, ए अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है देयरफॉर फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एम वी हैव टू प्रूव दैट ए रेज टू पावर एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये आपको प्रूव करना है कि ए रेज टू पावर एम, जहाँ पे m पॉजिटिव इंटीजर होगा ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी। ठीक, नाउ a रेज टू पावर m मतलब क्या, a रेज टू पावर m का a इंटू ए इंटू ए अप टू सॉन a, कितने टाइम m टाइम्स, कि हमने a की मल्टीप्लाई कर दी है यहाँ पे m टाइम्स, इसका मतलब a रेज टू पावर m हो जाएगा। a रेज टू पावर 10 का क्या मीनिंग है, a इंटू ए इंटू ए अप टू सॉन a, कितने टाइम a को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 10 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे। इसी तरह से ए रेज टू पावर एम को ले लिया हमने, अब इसको आपको सिमेट्रिक प्रूव करना है, दैट मीन्स आपको यहाँ पे ट्रांसफोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें चाहिए ए एम डैश, अप्लाई ट्रांसपोज बोथ साइड्स देन ए रेज टू पावर एम डैश इक्वल टू ए इंटू ए इंटू ए अप टू सॉन ए, ट्रांसपोज हो जाएगा, और ये कितने टाइम चल रहे हैं, m टाइम्स। ओके, देन a रेज टू पावर m डैश इज इक्वल टू, अगर हम इसको ओपन करते हैं देन मल्टीप्लाई का रूल क्या होता है कि लास्ट वाली मैट्रिक्स ये तो एज सेम ही है, a डैश इंटू ए डैश इंटू ए डैश अप टू सॉन a डैश, कितने टाइम मल्टीप्लाई है, m टाइम चल रही है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, जैसे हमने a रेज टू पावर m को ओपन किया था, अगर मैं वापस इसको ऐसे लिखना चाहूँ, यानी a इंटू ए इंटू ए अप टू सॉन m टाइम्स अगर हम लिखें मल्टीप्लाई में, तो ए की पावर m लिख सकते हैं, ये एज इट इज़ रूल यहाँ पे अप्लाई करेंगे, a डैश इंटू ए डैश इंटू ए डैश अप टू सॉन a डैश, कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है, m टाइम, तो इसको हम लिख सकते हैं a डैश की पावर m, कि ये a डैश जो हो m टाइम, यानी इसकी पावर आ जाएगी m, क्योंकि m टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है। ओके, देन ए एम डैश दिस इज इक्वल टू, और स्टार्टिंग में ए आपको क्या गिवन था, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए डैश इक्वल टू ए के इक्वल आ जाएगा, इसको आप लिख सकते हो ए डैश, ए यहाँ पे वैल्यू रख देंगे हम ए डैश की, ए रेज टू पावर एम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आप इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए, इक्वेशन फर्स्ट से, यानी कि ए हमें सिमेट्रिक गिवन था तो हमने ए डैश के प्लेस पे पुट कर दिया ए, देन ये आ जाएगा ए रेज टू पावर एम ट्रांसपोज इक्वल टू ए रेज टू पावर एम, ए रेज टू पावर एम का ट्रांसपोज लिया इसी के इक्वल आ गया, इम्प्लाइज दैट ए रेज टू पावर एम इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, यही मैं प्रूव करना था कि अगर हम कोई पॉजिटिव इंटीजर पावर ले लेते हैं किसी भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स की, तो वो भी सिमेट्रिक ही रहेगा। बहुत लेंथी एक्सरसाइज है, शायद 16 क्वेश्चन है इसमें, आज के लेक्चर में हम 9 क्वेश्चन ही करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं यानी कल इसको मैं कंप्लीट करवा दूंगी। तो फर्स्ट चैप्टर के बाद यानी 1.2 एक्सरसाइज के बाद मैं आपको सेकंड चैप्टर और थर्ड चैप्टर की भी एक्सरसाइज करवा ही देती हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चों की जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं कमेंट के थ्रू, तो अगर आप कमेंट में प्रॉब्लम डालते हैं तो वो इतना याद भी नहीं रहता, तो आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कीजिए, मैंने टेलीग्राम लिंक जो है हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करती हूँ। ठीक है, तो आप वहाँ से ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम्स आप शेयर कर सकते हैं।
अभी जो अलजबरा का चैप्टर चल रहा है वो 7th चैप्टर चल रहा है, क्योंकि मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ इसमें करवा सिलेबस में, और मैं अभी देख रही हूँ कि बच्चे जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड चैप्टर ही कर रहे हैं मोस्ट ऑफ, देन मैं इसलिए इनकी रिपीट करवा देती हूँ एक्सरसाइज, ताकि आप लोगों की रिविज़न हो जाएगी, जिन्होंने कर लिया उनकी रिविज़न हो जाएगी, और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं वो जो इजीली यहाँ पे एक्सरसाइज कर पाएंगे। ठीक है, तो आप इसको आज इसको ट्राई करो, कल हम इसको कंप्लीट करेंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।